कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास स्पीकर आजम परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी हुकाम शरीक हैं। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मुल्क की सियासी सूरतेहाल पर कौमी सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास है वो स्पीकर कौमी सभी राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक है। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के जो उमूर है उस पर ज़ेर बहस आएंगे। साथ ही साथ इजलास में चारों चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरी, दाखिला, खारजा, फाइनेंस और दिफा इजलास में शरीक है, जबकि चारों सूबे वज़रा आला, चारों सूबे चीफ सेक्रेटरीज और आई जी जो है वो भी इजलास में शरीक है। जबकि इस इजलास में जो आला अस्करी हुकाम है वो मुल्क की कौमी सलामती के उमूर पर जवान को ब्रीफिंग देंगे। जो मुल्क की जो सरहदों की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग की जाएगी। साथ ही साथ वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इजलास में ब्रीफिंग देंगे। आज के अहम इजलास में चारों सूबाई वज़रा आला और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आई जी जब शरीक हैं वो भी अपने सूबों के हवाले से जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि आला अस्करी हुकाम जो इस इजलास में शरीक है वो भी तमाम तर सूरत हाल से ईवान को आगाह करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में जहाँ पर वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट जो कौमी सलामती के मेम्बरान हैं और जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं और दीगर आला हुकाम को भी तलब कर रखा है, और इस वक्त ये इजलास कौमी असम्बली के ऐवान में जारी है जो कि इन कैमरा इजलास है, और इसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट और सेनेट के हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। जबकि इस वक्त जो है वो इजलास के अंदर तमाम तर उमूर पर अराकीन पार्लियामेंट को, पार्लियमान को, वज़ीर आज़म को एतमाद दिया जा रहा है। उस्मान आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। अहमद मंसूर बताइएगा, अस्करी हुकाम की जानिब से भी इस इजलास में इस मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी? अहमद मंसूर से हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताएगा इस इजलास के हवाले से। सलामती कमेटी है पार्लियामेंट की, इसका इन कैमरा इजलास है, वज़ीर आज़म भी इसमें शरीक हैं, जो इस कमेटी के अरकान हैं वो शरीक हैं, वफाकी वज़रा हैं, इसके साथ जो अस्करी क़यादत है वो इसमें शरीक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें शरीक हैं। इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास के शुरू होने के बाद की जो तफसील कुछ सामने आई है, जब वो आर्मी चीफ पहुंचे हैं कमेटी में तो अरकानी कमेटी है, उन्होंने उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल भी किया है, और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर जो कहा कि मैं फौज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। मौजूदा जो कौमी सलामती की सूरत हाल है उस पर अस्करी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है, और ये यकीन वही है जो उस वक्त जी नए ऑपरेशन से उसमें सारी चीज़ें। ठीक है, अहमद मंसूर और उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।